चलिए शुरू करते हैं. हार्ट क्या है? टेल मी व्हाट इज हार्ट. इट इज अ पंप. कितनी बड़ी साइज होती है पंप का? मुट्ठी के जितना बड़ा, मुट्ठी से थोड़ा बड़ा. बच्चों का होता है मुट्ठी जितना, हमारा होता है समथिंग लाइक दिस. हार्ट का साइज होता है एप्पल के जितना. मैं आपको दिखाना चाहता हूं हार्ट कैसा होता है. देखिए हार्ट कहां पे रखी होती है. दिस इज व्हाट अ हार्ट इज. ये देखिए हमारी चेस्ट है और दोनों तरफ ये क्या है, लंग्स. लंग्स एंड दिस इज वेयर द हार्ट इज सिचुएटेड. हार्ट का काम क्या है? पूरे बॉडी को ब्लड देना. एक बार हार्ट पंप करेगा तो पूरे शरीर में ब्लड पहुंच जाएगी. ये देखिए यहाँ पे हार्ट रखा होता है और ये हार्ट जब पंप करती है, ये हार्ट है, ये हार्ट जब पंप करती है तो यहाँ से ब्लड निकलती है, पूरे शरीर को ब्लड चली जाती है. याद रखिए आज शाम को 7 बजे से कल शाम को 7 बजे तक आपकी हार्ट 1,00,000 बार पंप करेगी. अच्छा, इसके बीच में एक ब्रेक दे सकते हैं ना, 2 मिनट का. उसको ब्रेक दे दिया तो पूरी ब्रेक. सो नो ब्रेक फॉर द हार्ट. तो याद रखिए हार्ट को जिंदा कैसे रखेंगे फिर. हार्ट को क्यों नहीं ब्रेक मिलेगा? क्योंकि हार्ट को भी कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई चाहिए. एक बात याद रखिए, हार्ट का काम है यहाँ से पंप करना और यहाँ से ब्लड पूरे बॉडी को चली जाएगी. और इस वक्त हार्ट अपने लिए 3 छोटे छोटे ट्यूब लेता है और ये ट्यूब्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है और उसी ब्लड के जरिए हार्ट कंटिन्यूअस चलते रहती है. और ये सप्लाई अगर बंद हो जाए तो हार्ट की बीमारी हो जाती है. सप्लाई बंद हो जाए मतलब ये जो 3 ट्यूब आपको दिख रहा है इनके नाम है कोरोनरी आर्टरीज. और इनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जम जाए तो क्या होगा, हार्ट की ब्लड सप्लाई धीरे धीरे कम होने लगेगी. और इसी को ही बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज, जिसको सुनने के लिए आप आए हैं, जिसके करीब 7 करोड़ पेशेंट इंडिया भर में है. उसका बीमारी का नाम हो गया कोरोनरी हार्ट डिजीज. इसको बोलते हैं एंजाइना, इसको बोलते हैं इश्कीमिया, इसको बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज. और इसी बीमारी को हार्ट अटैक से ही माना जाता है. इस बीमारी में क्या होती है कि ये 3 ट्यूब के अंदर चर्बी जम जाती है, कोलेस्ट्रॉल और फैट जम जाती है. तो हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो मैं आज लेक्चर जो दे रहा हूँ वो ब्लॉकेज के ऊपर दे रहा हूँ कि हार्ट के ब्लॉकेज क्यों होती है, क्या होती है, कैसे होती है. चलिए एक बार उस ट्यूब 3 ट्यूब को देखते हैं. ये देखिए हार्ट यहाँ से पंप करता है, पूरे बॉडी को ब्लड देती है. अपने लिए हार्ट लेता है RCA, ये राइट साइड में RCA, लेफ्ट में LAD और लेफ्ट के पीछे लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स. ये जो 3 ट्यूब है इन्हीं के अंदर चर्बी जमती है. अच्छा, ये चर्बी जो जमती है आपको क्या लगता है कब से जमना चालू हो जाता है, कौन से उम्र से ब्लॉकेज शुरू हो जाती होगी, कितने दिनों में हो जाती होगी? याद रखिए बच्चा जन्मता है इतना छोटा सा होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है. कब तक बढ़ता रहता है? ऐसे कितने साल तक? 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, समझ लीजिए तब तक ब्लॉकेज ना भी हो. पर जब ये ब्लॉक एक बार इसका बढ़ना बंद हो जाए तब तक तो जो भी फैट खाते हैं बढ़ने में यूज हो जाता है. अब जब ये बढ़ना बंद हो जाए, अब जो फैट खाएंगे वो कहाँ जाएगा? 2 काम कर सकता है, एक इधर बढ़ा सकता है और अंदर बढ़ा सकता है. कौन सा ठीक रहेगा? दोनों ही ठीक नहीं रहेगा. तो 18-20 साल के बाद ब्लॉकेजिंग चालू हो जाती है और उसी वक्त से आपको रोकना चाहिए. तो आपको क्या लगता है ये जो लेक्चर है सिर्फ हार्ट के पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट है या सबके लिए इंपॉर्टेंट हो गया? फॉर एवरीबडी. अरे आज आप 18-20 साल के हो गए तो आपके लिए तो अब चालू हो गया ना. अब आपको फैट अंदर ग्रो नहीं करेगा, आपको बॉडी को ग्रो नहीं करने देगा, अब तो अंदर जाके ब्लॉकेज चोकिंग करेगा. एंड दिस इज व्हाट वी डू नॉट वांट. तो ये जो ब्लॉकेज है ये शुरू होती है 20 साल के बाद से. और देखिए कैसे ग्रो करती है. दिस इज थोड़ा 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 थोड़ा. अच्छा मान लेते हैं 80 ब्लॉकेज हो, उसके बाद पता चलेगा. क्यों बोलिए तो? व्हाई पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड हार्ट डिजीज टिल 80 ब्लॉकेज? क्योंकि हमारे हार्ट में 20 की ही जरूरत है और सप्लाई 100 का दिया हुआ है. हार्ट को 80% एक्स्ट्रा ब्लड दिया हुआ है. सो 20 इज देयर, देयर इज नो शॉर्टेज. तो 80% ब्लॉक हो तब तक कोई शॉर्टेज नहीं है. अच्छा ये ब्लॉकेज आपको क्या लगता है किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है ना, ये हमारे अपने हाथ में. हम उसको रोक सकते हैं, खाली उसको मालूम होना चाहिए रोकना कैसे है. दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डू टू यू. तो एनीवे हार्ट की बीमारी क्लियर हो गई, आपको समझ आ गई हार्ट की बीमारी क्या है. तो ये है हार्ट की बीमारी. अब एक बार और दिखाना चाहता हूं इसमें थोड़ी बहुत चीज. एक और ब्लॉकेज को देखिए कैसा दिखता है. दिस इज अ जीरो ब्लॉकेज, दिस इज 80% ब्लॉकेज, 20 इज ओपन. अच्छा इस आदमी को बैठे बैठे तकलीफ होगी क्या? नो, ही से सब बैठे बैठे मैं घूमने में भी दिक्कत नहीं है, स्पीड लूंगा मैं तब मेरे को यहाँ पे छाती में दर्द होगी, अदरवाइज आई एम कंफर्टेबल. तो ये है हार्ट का पेशेंट. अच्छा इस ब्लॉकेज में एक चीज आपको और दिखाना चाहता हूं. ये जो ब्लॉकेज है ये किस चीज से बनी हुई है? घी, तेल, मक्खन खाया आपने ना, ये घी, तेल, मक्खन ये सब जमी हुए हैं यहाँ पे. अच्छा इस ब्लॉकेज में, ब्लॉकेज इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन फ्रॉम इनसाइड.
आपको समझ आ रहा है, ब्लॉकेज के अंदर की तरफ एक पर्दा होता है जो ब्लॉकेज को रोक के रखता है, इसको बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन। एक होता आउटर मेम्ब्रेन, एक होता इनर मेम्ब्रेन। अच्छा, ब्लॉकेज अगर बढ़ती जाए तो इस मेम्ब्रेन का क्या होने वाला है? मेम्ब्रेन स्ट्रेच करेगा और एक दिन मेम्ब्रेन फट जाएगा। पेन और हेवीनेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, छाती के लेफ्ट साइड में पेन और भारीपन, या तो पेन या तो भारीपन होगी। और ये कब बढ़ेगी? जब चलेंगे तो बढ़ेगी, रुक जाएंगे तो ठीक हो जाएगी। 80 ब्लॉकेज है, अभी बैठे बैठे पेन नहीं है, स्पीड लेने गया तब दर्द हुई और रुक गया तो दर्द ठीक हो गई। और कुछ लोग बोलते हैं दिस पेन कैन लेफ्ट गो टू द लेफ्ट आर्म, कुछ लोग बोलते हैं वर्स आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद ये पेन ज्यादा होती है। और कुछ लोग बोलते हैं पेन नहीं होती है, अनइजीनेस होती है, बर्निंग सेंसेशन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट होती है। कुछ लोग बोलते हैं धड़कन तेज हो जाती है, पैल्पिटेशन, एंड सम पीपल हैव ब्रेथलेसनेस। और बहुत रेयर केसेस में राइट साइड पेन, शोल्डर पेन, जॉ पेन, स्वेटिंग, बैक पेन, ये सब हो सकती है। तो ये सब सिम्टम्स हो तो क्या समझ जाए, ब्लॉकेज इज ऑलरेडी मोर देन 70-80% सिम्टम्स। हार्ट के पेशेंट को मैं यूजुअली बोलता हूँ यहां से भाग के वहां तक जाइए, वापस आइए। बोलता भागने नहीं सकता, जब मैं भागूंगा तो यहाँ पे दर्द होगी। गैस का पेशेंट बोलेगा मुझे भगा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हार्ट का पेशेंट बोलेगा ना, वेन एवर आई इंक्रीज माई स्पीड आई गेट अ चेस्ट पेन, इसका मतलब वो हार्ट का पेशेंट है। इसके बाद मैं एक और टेस्ट करा सकता हूँ, उसका नाम है सॉर्बिट्रेट बिलो द टंग। आपने नाम सुना सॉर्बिट्रेट टैबलेट, जीभ के नीचे रखी जाती है। एक हार्ट का पेशेंट बोलता है मैं चलता हूं मुझे दर्द होता है, मैं बोला रुक जाओ, रुक के मैंने बोला आप बैठ जाओ, और एक उसके जबान के नीचे सॉर्बिट्रेट रखाया। अब बोला 5 मिनट बाद चल के देखो, बोलता है अब कोई दर्द नहीं है, तो क्या समझ जाऊं ये हार्ट का पेशेंट ही है। ये 50 पैसे में ये टेस्ट हो सकता है, पर इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट में जाना होगा। ये साइंटिफिक टेस्ट है, इसको बोलते हैं ECG। आपने कराया कभी? पेशेंट लेट जाता है, यहाँ पे लीड स्वीट लगाते हैं, हाथ में पैर में स्ट्रैप लगाते हैं, बटन दबा देते हैं, ग्राफ निकल आती है, एंड ग्राफ शोज प्रॉब्लम, तो हार्ट की बीमारी है। पर ये देखा जाता है 90% ECG नॉर्मल आती है, ब्लॉकेज है पर ECG नॉर्मल है। क्यों बोलिए? तो एक मेरा पेशेंट बोलता है मैंने 20 बार ECG कराया, वो सारे नॉर्मल आए। मैंने बोला कब कराया? बोलता हर महीने तो कार्डियोलॉजिस्ट एक ECG कराते हैं, बोलते आपकी नॉर्मल आई है। मैं बोला ECG कराते वक्त आपको चेस्ट में पेन थी? बोलता नहीं, तब तो मैं लेटा रहता हूं। मैं बोला पेन कब होती है? बोला चलने में पेन होती है, सीढ़ियां चढ़ने में पेन होती है। तो कैसा ECG कराना होगा? चल के ECG कराना होगा। इसका क्या नाम है? स्ट्रेस टेस्ट, ट्रेडमिल टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, ECG लगा देते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर में ECG देखते रहते हैं। अब पेशेंट को बोलते हैं अब चलो, और चलने में क्या करना है आपको याद है? हमारी हार्ट की जरूरत कितनी है? 10%, 20% और 30%। बैठे बैठे 10, चलते बखत 20, दौड़ते बखत 30। तो उसको बोलते चलो, पहले धीरे चलना, फिर स्पीड से चलना, फिर दौड़ा देंगे। और तीनों क्रॉस कर गए तो क्या मतलब हो गया कि 30% उसके पास है, वो हार्ट का पेशेंट नहीं माना गया। बट सपोज चलते चलते स्पीड लेते ही उसके ECG में फर्क आ जाए तो क्या समझ गए? वो हार्ट का पेशेंट कंफर्म्ड हो गया। क्लियर है आपके दिमाग में? ये एंजियोग्राफी में कभी ब्लॉकेज देखा है आपने? इसमें लिखा होता है 70%, 80% एंड 90%। आपने देखा ऐसा? अच्छा, ये जो 70, 80, 90 है ना, ये भी कार्डियोलॉजिस्ट टू कार्डियोलॉजिस्ट बदल जाती है। मेरे पास दिल्ली में एक पेशेंट आए, आके बोले डॉक्टर साहब मेरा ना कल 10% कम हो गया ब्लॉकेज। मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया? बोला नहीं, एस्कॉर्ट्स वाले तो 80 बोल रहे थे, अपोलो 70 ही बोला है। मैं बोला अब कैसे लग रहा है? बोला कल से दर्द काफी कम लग रहा है। देयर आर अबाउट 15 factors, 15 reasons फॉर हार्ट डिजीज। एक एक करके सारे रीजंस को मैं पढ़ना चाहता हूं आपके पास। देखिए, तो इसमें कुछ कुछ आपको मालूम है क्या? कुछ कुछ मालूम है आपको, ऑलरेडी यू ऑलरेडी नो सम ऑफ देम, बट लेट अस गो वन बाय वन। फर्स्ट इज हाई कोलेस्ट्रॉल। सुना आपने कोलेस्ट्रॉल? सबने सुना है कोलेस्ट्रॉल, एवरीबडी हैज हर्ड। बट व्हाट इज दिस? इट्स अ फैट, ये डिपॉजिट करती है। आप हमको बताइए इस फैट को कौन से खाने में मिलता है? विच फूड इज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल? विच फूड डू यू थिंक इज फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल? ऑयल डज नॉट हैव कोलेस्ट्रॉल। मैं आपको बता दूं, जिंदगी भर के लिए याद रख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का एक ही सोर्स होता है फूड में, दैट इज कॉल्ड एनिमल फूड। एनिमल फूड, कोई भी चीज एनिमल से बना हुआ खाना हो वो सब फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होगा। मतलब सारे मीट, चिकन, मटन, बीफ, और ये अंडा और मछली, फिश, दे आर फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और एक चीज में कोलेस्ट्रॉल होता है वो है मिल्क। मिल्क इज ऑल्सो एनिमल प्रोडक्ट, आपको मालूम है। पर मिल्क में एक ब्यूटी है। क्या ब्यूटी है? मिल्क को आप बॉयल कर लीजिए और फ्रिज में ठंडा करने दे दीजिए तो इसकी जितनी फैट होती है ऊपर जम जाती है आके, और उसको उठा के आप फेंक दीजिए, फिर से उबाल लीजिए, फिर से फ्रिज में ठंडा कीजिए, फिर एक मलाई जमेगा लेयर। ये 2-3 बार निकाल दिया तो मिल्क पीने लायक फिर भी
हो जाती है. तो मिल्क अगर पीना है तो मलाई निकाल के पीना है, और अगर बाकी जितने भी एनिमल फूड है वो सारा का सारा नहीं खाना चाहिए. प्लांट फूड में सब कोलेस्ट्रॉल फ्री लिख लिख के बेच रहे हैं, पर उसमें एनिमल फूड में तो होगा कोलेस्ट्रॉल, प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल नहीं होती है. अच्छा, नेक्स्ट इज कॉल्ड द ट्राइग्लिसराइड. ये ट्राइग्लिसराइड क्या चीज है? आपके घर में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में बहुत जबरदस्त खाई जाती है. दिस इज कॉल्ड ऑयल. ये सफोला, कर्नोला, धारा, सनड्रॉप, मूनड्रॉप, गोल्ड्रॉप, स्वीकार, वाइटल, फॉर्चून, और ये ऑलिव ऑयल और राइस ब्रान ऑयल और सोयाबीन ऑयल और जिंजली ऑयल और जितनी ऑयल आप बाजार में जानते हैं इंक्लूडिंग घी, ये सारा का नाम है ट्राई ग्लिसराइड. आपने एग्जॉस्ट फैन साफ किया किचन में कभी? क्या जमा हुआ उसमें? अच्छा, आपके हार्ट में जमा दूं तो ब्लॉकेज हो जाएगी. तो याद रखिए, फिर आपको क्या लगता है, आपका कॉमन सेंस क्या बोलता है, खाने में तेल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, खाने में तेल चर्बी है, हाँ या ना? सब मानते हैं चर्बी है, और चर्बी हार्ट के लिए अच्छा है खराब है? खराब है, ये भी जानते हैं, तो फिर खाने में तेल क्यों डालते हैं? अच्छा, जब मैं बोलता हूं तेल नहीं डालना तो वो क्या करती है, उबाल के बॉयल करके वेजिटेबल हस्बैंड को खिला देती है. अच्छा, हस्बैंड को टेस्ट आएगा ना, बहुत अच्छा सब्जी, उसने तेल तो हटाया मसाले भी सारे हटा दिए और टेस्ट हो गया जीरो. अच्छा, हस्बैंड को खाना में टेस्ट तो आएगा ही ना, एकदम नहीं आएगा. अच्छा, मन मन में खाएगा तो सही, हार्ट की बीमारी है, डर के क्या करता आदमी, मरता तो कुछ तो खाएगा. अच्छा, खाएगा गाली किसको देगा? डॉक्टर को, कि इस डॉक्टर ने मेरा जिंदगी. अच्छा, गलती किसका, गाली कौन खा रहा है, सोच रहे हैं आप? गलती किया वाइफ ने कि जब तेल हटाने बोला मसाले भी हटा दिए, और गाली कौन खा रहा है? जिंदगी भर डॉक्टर को कोसता रहता है पेशेंट कि ये आदमी ने मेरा जिंदगी. अरे ऐसा करने का जरूरत ही नहीं है, खाली एक ही चेंज करो कि तेल बिना सारे मसाले को भूनना सीखो.